वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बाय डिस्क मेथड। तो अगर आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का फर्स्ट वाला पार्ट देख लें, अगार कप मेथड। ठीक है, तो वो अगार कप मेथड में मैंने आपको अप्रोच में ऑलरेडी ये बता दिया था कि हम ये टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, ताकि हम किसी भी बैक्टीरिया की रेजिस्टेंट कैपेसिटी को जान सके या फिर हम वो एंटीबायोटिक की एबिलिटी को जान सके। ठीक है, वो बैक्टीरिया कितना रेजिस्टेंस हो सकता है टू एनी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, या फिर वो एंटीबायोटिक कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो ये एम है पेपर डिस्क मेथड परफॉर्म करने का, और एंटीबायोटिक की पावर के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट के बारे में पता लगाने का। तो अब हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए बिना कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे हम पेट्री प्लेट कहते हैं। ठीक है, और पेट्री प्लेट के पास जो अभी आपको दिखाई दे रहा है उसे हम स्वाब कहते हैं। मोलार हिंगस्टन मीडिया इसमें यूज़ होती है, और इसके अलावा कुछ टेस्ट ट्यूब भी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अलग अलग एंटीबायोटिक डिस्क जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमें इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है, और आप बोल सकते हैं ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है। तो ये सब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ब्रॉथ में, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में, समझ लीजिए कि ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, उसमें हमें नाइक्रोम लूप की हेल्प से बैक्टीरिया को, जो भी आप बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईकोलाई, तो उस बैक्टीरिया को इसके अंदर ऐड करेंगे नाइक्रोम लूप की मदद से। अब वो बैक्टीरिया कहाँ से लेंगे, वो बैक्टीरिया हम लेंगे फ्रोजन कल्चर से या फिर कल्चर कलेक्शन सेंटर से। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर कलेक्शन सेंटर आते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से हम लेके फर्स्ट उसको हम ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ऐड करेंगे, और इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स के बाद ये ग्रो दिखाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पेट्री प्लेट में, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पेट्री प्लेट ऐसी होती है, तो वो पेट्री प्लेट में हमें मोलार हिंगस्टन मीडिया डालना है। मोलार हिंगस्टन मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो वो मोलार हिंगस्टन मीडिया डालने के बाद हमें स्वाब से, स्वाब कुछ इस तरीके का दिखता है, तो वो स्वाब से हमें पूरा जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर हमें वो स्वाब डालना है, और इसके अंदर ऐसे हमें कुछ स्ट्रिक करना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ओके। और उसके बाद हमें एंटीबायोटिक की जो छोटी छोटी डिस्क आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, उस एंटीबायोटिक डिस्क को हमें ऐसे प्लेस कर देना है। ठीक है, कैसे प्लेस करेंगे, दो बर्नर के बीच में। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये स्टराइल कंडीशन में हो रहा है, तो दो बर्नर जल रहे होंगे, उसके बीच में आप ये सब प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। एंटीबायोटिक डिस्क को आपको हाथ से नहीं छूना है, आपको किसी भी, बोल सकते हैं आप फोर्सेप्स से या फिर आप और किसी तरीके से इस एंटीबायोटिक को उसमें रख देंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो फोर्सेप को 70% इथेनॉल में स्टराइल करना पड़ेगा। सो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है हम स्टराइल कंडीशन में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पेट्री प्लेट है उसको क्लोज करके उल्टा रखेंगे इनक्यूबेटर में। ठीक है, ये टेक्निक है, उल्टा रखेंगे, इसका मतलब मीडिया ऊपर होगा और जो डिस्क है वो नीचे की तरफ से स्टिक होगा, और आफ्टर द 24 आवर्स आपको चेक करना है ग्रोथ ऑफ इनिबिशन। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इनिबिशन, तो जो आपने डिस्क रखे हैं उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बताए जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं आप अलग अलग जो है जोन ऑफ इनिबिशन बताए जा रहे हैं। तो वो जोन ऑफ इनिबिशन को आपने अलग अलग तरीके के इसमें एंटीबायोटिक रखे हैं। ठीक है, इसमें पेनिसिलिन रखा होगा, इसमें टेट्रासाइक्लिन रखा होगा, इसमें जेंटामाइसिन रखा होगा, इसमें और किसी तरीके का एंटीबायोटिक रखा होगा, तो वो अलग अलग जोन ऑफ इनिबिशन बता रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है
इंटरमीडिएट है या फिर ससेप्टिबल है, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंट होगा तो वो यहाँ भी ग्रोथ दिखाएगा, और अगर वो रेजिस्टेंट नहीं होगा तो वो ऐसा जोन ऑफ इनहिबिशन शो करेगा, और अगर वो इंटरमीडिएट होगा तो थोड़ा सा जोन ऑफ इनहिबिशन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्बीबॉर एक चार्ट है उससे हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि वो बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से एंटीबायोटिक को कितना रेजिस्टेंट है, कितना ससेप्टिबल है, उस तरीके से हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में पता चला होगा कि कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है, इसे क्यों परफॉर्म किया जाता है और इसके टेक्निक्स क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।